అస్మాకం సుఖదేవలోచన చమత్కారాయ భూయాశ్చరం अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभ्य नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मानव जीवन में क्या करना है। असल में ये चीज केवल सुनने की नहीं है, करने की है। जैसे किसी के घर में किसी प्रकार का व्यापारी का नुकसान हो जाए, इज्जत जाने लगे और वो बड़ी गंभीरता से अपनी स्थिति को सोचता है, ऊपर ऊपर से नहीं। किसी के घर में आग लग गया, जैसे वो व्याकुल होता है आग बुझाने के लिए, आग से बचने के लिए, उससे भी ज्यादा ये सोचना है गंभीरता के साथ मानव जीवन में जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं। आयु बीती जा रही है, बहुत गंभीरता की सोचने की बात है। भला ये केवल भगवान के भजन की बात, शौक से दिल बहलाने की चीज भी अच्छी है। औरों की अपेक्षा अगर कोई बुरी चीज से दिल बहलाया जाए, उसकी अपेक्षा अच्छी चीज से बहलाया जाए, भगवान के नाम से, भगवान के गुणों से, भगवान की चर्चा से बहलाया जाए, बड़ा अच्छा मंगल है। परंतु ये दिल बहलाने की चीज नहीं, ये तो जीवन मरण का प्रश्न है। न मालूम किस काल से ये हमारा भगवान से विच्छेद हो रहा है। आज से नहीं, इसी जन्म से नहीं, न मालूम कितना काल बीत गया है। अनादि काल कहते हैं, भगवान से संबंध विच्छेद होने के कारण से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं। कभी कभी भगवान की कृपा से, पुण्य बल से मानव शरीर की प्राप्ति होती है, और मानव शरीर की प्राप्ति होने पर मानव का जो कर्तव्य है उसे हम भूल जाते हैं और भोगों में लग जाते हैं। एक मैंने कहानी सुनी थी बहुत पुराने काल में एक महात्मा से, कोई एक दीवाल का घेरा था बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें कोई आदमी घुस गया अंदर और घुसते ही अंधा हो गया। अब वो बाहर निकलना चाहे, भीतर उसे कहीं ठीक आश्रय नहीं मिलता, भटकता फिरता वो। तो किसी दयालु सज्जन ने बताया कि तुम ये काम करो, इस दीवार के हाथ लगाए चलते रहो, छोड़ना नहीं। इसमें एक दरवाजा है, वो दरवाजा जब आएगा तो हाथ पोल में जाएगा। दरवाजा छोटा सा है, ऐसा न हो कि दरवाजा निकल जाए और तुम आगे बढ़ जाओ।
दरवाजा आते ही चर्च से बाहर निकल जाना, तुम्हारे आंखें आ जाएगी, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। पर कहीं दरवाजा निकल गया तो फिर मामला गड़बड़। उसने कहा कि इतना दुख पा रहा हूं, कहीं अब भी भूल करूंगा क्या? अब भूल नहीं करता। दरवाजे की प्रतीक्षा में वो भीत पर दीवार पर हाथ लगाए चलता रहा। दरवाजा पास आया, इतने में सिर में खा जाने लगी। वो चलता रहा और खाज का आनंद लेने लगा। खाज में एक खुजलाते समय कुछ थोड़ा सा रस सा मिलता है, फिर जब उसमें से वो जल निकलता अंदर से तब तो जलन होती है। और एक बार विषेन्द्रिय संयोग आगे मिठोपन परिणाम बस वो खाज खुजलाने में रहा और आगे बढ़ गया। फिर वही दीवाल का चक्कर, ये उन्होंने दृष्टांत दिया, कहा कि ये 84 लाख योनिया जो है ये मानो चक्र है, चक्र की दीवार है। इसमें एक दरवाजा है, वो है मनुष्य योनि। एक दरवाजा है, ये मुक्ति का द्वार है, भगवान को पाने का दरवाजा है। इस दरवाजे में जब आता है तो उसको पहले पहले तो ये गर्भोपनिषद में आता है, और भी उपनिषदों में ये चीजें आई हैं कि गर्भ में ज्ञान होता है, उस समय पूर्व की स्मृति होती है, उस समय सोचता है कि अब की मैं किसी प्रकार से भगवान की कृपा से अगर बाहर निकल जाऊं और मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो मैं बस भगवान को ही भजूंगा, भगवान में ही मन लगाऊंगा, दूसरा काम करूंगा नहीं। और यहाँ आया, जहाँ वही खाज खुजलाने में लग गया, ये भोगों में लग गया। बस अब करें, कल करें, परसों करें, आगे करें, इसी उधेड़ बुन में सारा जीवन बीत जाता है। मनुष्य समझता है अवकाश नहीं है, कब करें। बड़ी मूर्खता है ना, जो काम सबसे पहले कर लेना चाहिए, जिस काम के लिए ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है, न मालूम किस कर्म को लेकर मनुष्य कितने दिनों के लिए मानव जीवन में आता है। वो अगर बीत गया समय तो फिर मानव जीवन तो रहेगा नहीं। तो मानव जीवन की श्रेष्ठता तो उसी में है कि वो इसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। परंतु मानवता का प्रारंभ होता है तब से जब मानव प्राणी भगवान की ओर लगता है। जब तक भगवान की ओर मनुष्य लगता नहीं, तब तक तो वो नाम का मानव है, मानव है ही नहीं। वो तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो तुलसीदास महाराज कहते हैं, चिन्हते खर शूकर श्वान भले, जड़ता बसते न कहे कछुए, जिनके मन राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय, जननी कत भारणी जो समास, भई किन बांझ गई किल स्वय, जय जाहु सो जीवन जान के नाश, जिए जग में तुम्हरो बिन भय। कहते हैं कि जिस जीवन में, जिस मानव जीवन में भगवान से प्रेम नहीं हुआ और जो केवल भोगों नहीं लगा रहा, ऐसे जीवन वाले मानव की अपेक्षा, ऐसे मानवों की अपेक्षा खर सूकर श्वान भले, गधे कुत्ते और सूअर ये अच्छे हैं। पशुओं में भी जो तामसिक नीच पशु है उनके नाम दिलाए भला, खर सूकर श्वान। क्यों कि ये बिचारे, मनुष्य में एक मिथ्या गर्भ है,
मनुष्य को यदि कोई मूर्ख कह दे तो लड़ने को तैयार, वो बिचारे जड़ता बसते न कहे कछुए, वो बिचारे खरसूकर स्वान अपनी जड़ता के कारण से कुछ बोलते नहीं, परंतु उन मनुष्यों से वो अच्छे हैं जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं, क्योंकि वो तो मानवता को खो रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान में देने की है, मानवता तक तो होता है क्रम विकास, और मानवता के बाद फिर चक्कर घूमने की तैयारी हो जाती है। जितने भी पशु पक्षी आदि इतर जीव हैं वो अपने अपने कर्मों का भूल करते हुए मानवता की ओर आगे बढ़ते, भोग योनि है ना, तो भोग योनि में मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का ही भोग होता है, उनको विभिन्न विभिन्न योनियों में अनंत अनंत योनियों में भोगते हुए वो जीव मानवता की ओर आगे बढ़ता है, वो तो क्रमशः उन्नत होता है। पर ये मनुष्य बनकर मनुष्य योनि को प्राप्त करके यदि वो उन्हीं पशुओं के से काम करता है, अगर मानव वैसे कामों में लगे रहते हैं तो भगवान मन में बड़ा पश्चाताप सा उन मानवों पर करते हुए कहते हैं, आश्री योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माँ मपरा प्रेय कौन से ततो यान कभी मान रखे। बड़े दुख का विषय है, जीव मनुष्य बना था, कबहू के कर करुणा न देही देख ईस दिन ही कुशल ही। भगवान कहते हैं कि इसको मनुष्य बनाया गया, किस लिए बनाया गया, मेरी प्राप्ति के लिए, तो माम अप्राप्य मुझको तो ये प्राप्त करने से रहा, मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं, पर जैसा था वैसा ही रहता तभी समझते भाई जैसा था वैसा रह गया, जहाँ था वैसे ही रह गया, पर ये नहीं, इसने तो ऐसे कर्म किए मानव बन करके जो दूसरी योनियों में नहीं करता, नहीं कर पाता, जो फल नहीं मिलता वो यहाँ इसने कर्म किए, तो फल क्या होगा, जन्मनि जन्मनि जन्म जन्म में ऐसे मूढ़ मनुष्यों को आशीर्वाद योनि प्राप्त होगी। भगवान ने इनको मूढ़ कहा, इनको नराधम कहा, जो भगवान को नहीं भजते उनके लिए भगवान ने कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, वे नराधम वे मूढ़ नर मुझे नहीं भजते, नहीं भजते। तो वे लोग भजते हैं केवल भोगों को, तो इसलिए यहाँ पर तो अशांत जीवन बिताते ही हैं। तो बड़े से बड़े किसी अधिकारी को देख लीजिए, बादशाह को देख लीजिए, राजा को देख लीजिए, ये सब के सब भले ही इनके पास सांसारिक वस्तुएं राशि राशि हो, पर इनकी स्थिति क्या है, अंदर से एक निरंतर अशांति की ज्वाला में ये जल रहे हैं, वो कभी शांत नहीं हो सकती, बाहर की ठंडक से नहीं हो सकती, तो वे अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। तो मानव जीवन में यहाँ तो शांति मिलती है, पर यदि वो भोगों में लगा रहा भगवान को छोड़कर, तो परिणाम में भगवान कहते हैं, जन्मनि जन्मनि आश्रम योनि मापन्ना, जन्म जन्म में, एक दो जन्म में नहीं, बार बार आश्रम योनि की प्राप्ति होगी, मेरी तो प्राप्ति हुई ही नहीं, और ततः अधमान गति, इसके बाद नरकों की प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं आजकल के लोग ये गंभीर नहीं जाते, ऊपर ऊपर ये भटका करते हैं, बोले हम नरक नहीं मानते, स्वर्ग नहीं मानते, तो न मानो, किसी चीज को न मानने से वो चीज नहीं रहेगी, ये नहीं हो सकता, अगर वो है तो है ही,
بولے ہم بیماری نہیں مانتے، نہیں مانو پر جب بھوگنی پڑے گی تب تو بھوگو گے نا. تو اسی پرکار یہ ادھمان گتنیان تھی آسری یونیوں کی پراپتی اور اس کے بعد نرکوں کی پراپتی. نرکے ریتم باسو بھگتی تن سے شرما پتن کے نرکے سچاؤ، یہ بھگوان کے واقع ہیں. تو مانو کی مانوتا کا آرمبھ ہوتا ہے تب سے جب وہ بھگوان کو بھجتا ہے. تو بھگوان کو نہ بھجے ان مانووں سے پشوت سے جو بیچارے مانو ہونے کو جا رہے ہیں، مانوتا کی اور تو بڑھ رہے ہیں. تو تلسی داس جی کہتے ہیں کہ جنن کت بھار منی دسماس بھئی کن بانجھ گئی کن سوئے ماتا نے یہ گرب دھارن کیوں کیا، بانجھ کون رہ گئی اور گرب پات کون ہو گیا، اور یدی جیون بنا جنم ہوا تو اس جیون میں آگ لگ جانی چاہیے جو جیون بھگوان کے بنا کا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ بہت سیریسلی بڑی گمبھیرتا سے اس وشے پر سوچ کر طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ کیول سننے کی بات نہیں ہے، آج مر جائیں تو کچھ ٹھکانا ہے. منش ابھی ابھی میں بول رہا ہوں اور کھن بھر کے بعد بولنے لائق رہوں گیا نہیں کوئی نہیں جانتا. بھلے ہی نیتی کا وہ نشچت سمے ہو سوچا ہے، پرنتو کوئی جانتا نہیں اس کو. تو مرتیو سے پہلے پہلے اتیاوشک سمجھ کر کہنا سننا روک کر کیول اسی میں لگ جانا ہے. یہ جتنی چیزیں، اور ایک راجا تھے انہوں نے ایک نمائش لگائی، یہ بڑی سندر ایک جگہ کتھا میں نے پڑھی، نمائش لگائی. اس نمائش میں پردرشنی، اس میں سب طرح کے سامان کھانے کے پینے کے دیکھنے کے سونگھنے کے یہ سونے کے آرام کے گانا بجانا سب الگ الگ سب دکانیں لگی، سماروہ ہو رہا. باہر ایک آفس، اندر جائیں لوگ، یہ سب سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو بھائی ایک بات ہے، اس نمائش کی سب چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی ہے، اور یہاں جو جو آنند ہے اچھا گانا سنیے، اچھا کھانا کھائیے، اچھے بچھونوں پر کومل کومل پر سوئیے، اچھی چیزوں کا سپرش کیجیے، اچھی چیزیں آنکھ سے دیکھیے، یہ سب آنند ملیں گے آپ کو. لیکن ایک بات ہے، یہ شام کو 3 بجے سے پہلے پہلے جو اس پار پہنچ جائے گا ساری نمائش پار کر کے، وہاں پر سوئم راجا بیٹھے، وہ اپنا سارا راج اسے دے دیں گے، اور جو رہ جائے گا اندر اس سمے تک اس کو باہر نکال دیا جائے گا اور قید کر لیا جائے گا. یہ گھوشنا. اب لوگ اندر گئے، اندر جا کے دیکھا تو بڑا سندر بگیچہ لگا ہوا ہے، تمام بڑھیا بڑھیا گلاب اور چلتے کے پھول کھلے ہوئے، سگندھ آ رہی ہے، بڑا اچھا من چلا. جو ذرا سا 3 بجے کی بات ہے نا، بولے ابھی تو 3 بجے میں بہت دیر، ذرا یہاں کا آرام لے لیں، وہاں ٹھہرے، من لگا 3 بجے کو بھول گئے. پھر کچھ دیر میں باہر نکلے، اتنے میں تو کسی دکاندار نے بولے یہاں آئیے دیکھیے کیسی بڑھیا بڑھیا کھانے کی چیزیں ہیں، پیسہ نہیں لگے گا، آئیے ذرا سا یہاں پر آنند لے لیجیے جیب کا. بولے ذرا سا چکھنے کیا لگتا، اب چکھنے لگے تو من چلا. جو ہوتے ہوتے جتنے آئے سب وہیں رم گئے، کوئی کھانے میں، کوئی پینے میں، کوئی سونے میں، کوئی سننے میں، کوئی اسپرش کرنے میں، کوئی سونگھنے میں لگ گئے، اندریوں کے بھوگوں میں لگ گئے. ایک آدمی آیا اندر، وہ دوڑا ہوا تھا، تو سب نکارے دوڑتے کیوں ہو، دوڑتے کیوں جا، آنند لوٹ لو. بولے پیچھے بات سنے نہیں کسی کی بات، دوڑا ہوا گیا.
दौड़ा हो गया वो 3 बजे से पहले पहले जा पहुंचा उधर राजा के पास। तो राजा ने कहा कि भाई तुमने का नुमाइश नहीं देखी, इतनी बढ़िया नुमाइश हो रही, तुम बड़े पागल आदमी हो, देखो ऐसे दौड़े आ गए हाँफ रहे हो। तो उसने कहा महाराज अब तो सारी नुमाइश मेरी हो गई, तो देखने क्या है, जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तो राज्य की सारी चीजों पर मेरा अधिकार हो गया, आपकी घोषणा बुनियादी घोषणा तो भाई तुम बुद्धिमान निकले और सत्य मूर्ख। तो ये मानव देह में ये निश्चित आयु के श्वास हैं, वो श्वास 10 दिन में पूरे हो जाए, 10 वर्ष में पूरे हो जाए, 100 वर्ष में पूरे हो जाए, 1000 वर्ष में पहले होती थी उम्र ज्यादा, पूरे होंगे जरूर। और अगर उन सारे श्वासों को हमने अनुकूल प्रतिकूल कामों में लगाए रखा, अनुकूल भोगों को भोगने में और प्रतिकूल को हटाने में, सारा संसार यही कर रहा है, भला कुछ नहीं कर रहा है। अनुकूलता में राग है, प्रतिकूलता में द्वेष है। अनुकूल को प्राप्त करो बढ़ाओ और प्रतिकूल को हटाओ हटाओ, नया नया प्रतिकूल निकलता रहेगा और नया नया हटाने का क्रम बनता रहेगा। इसी उधेड़ बुन में वो जीवन तो समाप्त, नुमाइश वाले कहने के निकलो बाहर अब कैद करेंगे, चलो भोग लिया तुम इससे भी वंचित और उससे भी वंचित। फिर मनुष्य नरके लिए संवास हो पतंति लड़के सुचौ, भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांत का वो जाल समावसा, तो सत्ता काम भोगेश पतंति नरके सुचौ, जो कामों के भोग में प्रसक्त है वो अशुचि नरकों में गिरता है, ये स्वाभाविक बात है। तो ये मानव जीवन का बहुत बड़ा दुरुपयोग और मानव जीवन का बहुत बड़ा कुपरिणाम। इसलिए समाज की आवश्यकता नहीं, दिखावे की आवश्यकता नहीं, विज्ञापन की जरूरत नहीं। जिसके समझ में जाए अकेला ही गया, जिसके समझ में आ जाए वो चलना शुरू कर दे, एकमात्र लक्ष्य बनाकर उसी ओर चलना शुरू कर दे, दूसरी ओर ताके नहीं, दूसरे को देखे नहीं, दूसरा क्या करता है इसको सोचे नहीं, अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे सीधा, तो वो अपने मार्ग को तय कर मानव जीवन की जो चरम सफलता है, चरम सफलता है भगवत प्राप्ति और कोई नहीं। मनुष्य का जीवन किसी दूसरे काम के लिए नहीं है, भोगों की प्राप्ति न मालूम कितनी योनि हुई, ये मानव मर के फिर न मरना पड़े इसको, तब तो उसके मानव की जीवन की सफलता, इसका अंतिम जन्म हो फिर जन्म न लेना पड़े, कहीं रहना पड़े तो भगवान का पार्षद होकर भले ही रहे, परंतु इसका ये दुख वाला अस्तित्व ये हमेशा के लिए मिट जाए, इस प्रकार की उसकी चेष्टा, उसकी क्रिया, उसकी साधना होनी चाहिए। न इसमें कहने की जरूरत है, न लिखने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे बता के क्या करना है, कुछ नहीं, अपने काम में लगे रहो और अपने को मित्र साथी हो जो अपनी बात माने, उनको उनको भी प्रेम से, बड़ी नम्रता से, आदर के साथ सेवा करके उनको भी लगाओ, उन पर हुकूमत नहीं, उनके साथ सारा बर्ताव नहीं, अपने आदर्श से, अपने सद्व्यवहार से, अपनी सेवा से उनको लगाओ, लगें बड़ा अच्छा, जितने लगें उतना अच्छा, ये भगवान की सेवा होगी, नहीं तो अपने चलते रहो, अपने कभी विराम मत लो, इस काम में कभी ठहरो मत, इसमें फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। मनुष्य को जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए दूसरे काम के लिए, ये साधक का स्वरूप है, उसे दूसरी तरफ कहीं जाना नहीं चाहिए,
किसी प्रलोभन में और किसी भय में नहीं फंसना चाहिए। दो चीज साधक के पास आया करती है भला, एक प्रलोभन एक भय। बड़े बड़े मान प्राप्त होते हैं, इज्जत प्राप्त होती है, पूजा मिलती है, लोग मानते हैं, लोग हर तरह से धन देते हैं, पैसा देते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं। ये सब के सब प्रलोभन हैं गिराने वाले, इनसे सावधान हो जा, इनको पास न आने दे, और आए तो अपने आप को हटा ले इससे, जहाँ तक माने नम्रता के साथ हाथ जोड़े, इनसे दूर रहे। दूसरा भय आता है, भय आता है कि तुम्हारा सुख का नाश हो जाएगा। तुम इस मार्ग में रहे, तुम जगत में खाने कमाने से चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, तुम दुखिया हो जाओगे, तुमको अमुक लोग सताएंगे, वो होगा न मालूम। ये सब कल्पनाएं हैं, ये सारे दुख मिटने का साधन तो है भगवान की ओर चलना, और सारे दुख प्राप्त करने का साधन है भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करना। भोगों को प्राप्त करने की जिस दिन इच्छा होती है, उस दिन से मरने तक और मरने के बाद भी दुख के बाद दुख आते रहेंगे, आप बच नहीं सकते। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करने के साथ ही भगवान की प्राप्ति होने पर, होने के बाद तक, बाद तो कोई सुख दुख का सवाल ही नहीं, तब तक सारे दुख हटते रहेंगे अपने आप, सारे सुख आते रहेंगे अपने आप, शांति आती रहेगी अपने आप। हम लोग भोगों में सुख खोजते हैं और शांति खोजते हैं, ये कितना प्रमाद है। लोग पूछते हैं, आते हैं, कहते हैं शांति नहीं मिलती। अरे शांति मिले कैसे? आग जलाकर उसकी ज्वाला में से तुम चाहते हो ठंडक मिले, कैसे मिले? वहाँ शांति है नहीं, वहाँ तो अशांति है। जहाँ जगत है, जहाँ सरकने वाला संसार है, जहाँ नित्य निरंतर प्रवाह बह रहा है मृत्यु का, वहाँ पर शांति कैसे हो? शांति का स्थान ही नहीं है, शांति का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काल्पनिक भाव भी नहीं है। यहाँ तो अशांति, और अशांत से कुतो सुखम, जहाँ अशांति वहाँ सुख कहाँ? शांति चाहिए या तो संसार की सारी वासना कामना विहाय कामान ये सर्वान उमा सहित निस्त्री है निर्ममो निरहंकार शशांति मधुगच्छति, या स्वयं सर्वभूतानां ज्ञात्वानां शांति मृक्षति। या तो भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करो, भगवान हमारे परम सूहृद है, परम सूहृद। तीन बात भगवान ने है भला, भगवान से भूल नहीं होती। हमारा भला किस बात में है, इसको भगवान पूरा पूरा जानते हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान है, और ऐसे भगवान हमारे सूहृद हैं। भगवान ने ये जो श्लोक कहा ना, इस वाक्य में वो निर्गुण निराकार रूप से नहीं कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का महान ईश्वर में, सबका रजिस्ट्रेटर, सबका शासक, सबको अपने अधीन रखने वाला, कहाँ क्या हो रहा सब जानने वाला, किसको क्या दिक्कत है उसको पहचानने वाला, दिक्कत को दूर करने के सामर्थ्य रखने वाला, कभी भूल न करने वाला, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वथा निर्भ्रांत, ऐसा सर्वलोक महेश्वर में भैया तुम्हारा सूरज है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना है। बोले महाराज मेरे अपने आप कैसे होंगे, मैंने तो आपकी भक्ति नहीं की, मैंने तो आपकी सेवा नहीं की। बोले न सही, मेरा स्वभाव है जीव मात्र का सूरज होना। अरे भगवान की दृष्टि में जीव किसी चीज नहीं, अपने आप ही तो उनका स्वभाव तो स्वाभाविक है, आत्मा में स्वभाव अपने आप रहता है। ये तो भगवान की बात, पर अपने बात ये देखनी है कि भगवान हमारे मित्र हैं, तो ऐसे भगवान तो हमारे मित्र आ
आज कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को लिख दे, देश का प्राइम मिनिस्टर, कि तुम निश्चिंत रहो, कोई चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारे सुहृद हैं, हम देख लेंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर तो खुद ही कभी हटने वाला है, उसकी शक्ति भी सीमित है, पर वो अनंत शक्ति स्वयं परमेश्वर, स्वयं भगवान, परमेश्वराणाम परम महेश्वरम, वो भगवान स्वयं अपने मुंह से कहता है सुर्गम सर्वसुखानाम, तुम्हें प्राणी तो होना भैया, तुम्हें प्राणी तो बोल हम तुम्हारे सूर्य, हम तुम्हारे मित्र, कितनी सी ये बात भगवान कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, ये जान लिया कि भगवान ने, बस भगवान मेरे सूर्य, तत्काल शांति मिल जाएगी, लानी नहीं पड़े, क्यों, फिर प्रत्येक स्थिति में ये विश्वास होगा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्भ्रांत मेरे स्वयं भगवान मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं वो तो ठीक मंगल विधान है, उसमें कभी अन्यथा हो नहीं सकता, उसे भूल हो नहीं सकती, करने में वो चूक नहीं सकते, शक्ति में उनको कोई ऐसी चीज है नहीं जो न कर सकते हूँ, और सूर्य मेरे हैं, इसलिए उनका प्रत्येक विधान, उनकी उनकी तरफ से अगर मृत्यु विधान आता है तो मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं, आलिंगन करके मर जाओ, मृत्यु के रूप में भगवान आके अपने धाम में ले जाएंगे, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना ये जीवन का असली एकमात्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये सबसे पहला सबसे आखिरी ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को भूल कर हम लोग लगे हैं प्रपंच, प्रपंच क्या है, मैंने तुम्हारा जीवन भर में देखा, बहुत राजनीति में रहा, समाज में रहा, न मालूम कितने आंदोलनों में रहा, सब जगह एक ही उधेड़ गुण है, अनुकूल और प्रतिकूल, राग और द्वेष, एक में ममता, एक में द्रोह, एक को प्राप्त करो एक को हटाओ, अब वो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे दलगत हो, चाहे जातिगत हो, चाहे समाजगत हो, देशगत हो, राष्ट्रगत हो, विश्वगत हो, जीवगत हो, पर इसी में सब फंसे, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा मनमत्त भूतम जगत, इसलिए कभी कभी मन में आती है कि सब छोड़ छूट जाए तो बड़ा अच्छा, एकमात्र एकमात्र भगवान की स्मरण रहे, पर रहता नहीं, वो तो संस्कार ऐसे बड़े हैं मोह के, बड़ी महिमा हटता नहीं, लेकिन करना नहीं, आप सबको हमको सबको ये करना है, जो गए वो गए, हमें जाना है, जो गए उनके लिए अगर वो अपने संबंधी हैं मित्र हैं तो परसों परसों जो मैंने बताया था ये जरूरी बात है, अगर ये शास्त्र की बात है, आजकल हमारे यहाँ वो अगला अंक निकलेगा परलोक और पुनर्जन्म, तो इसके लिए वो चीज़ें दिमाग में आती रहती है, तो ये जब तक फिर से जन्म नहीं होता तब तक वो जीव उसी किसी भी देह में रहे, चाहे वो पार्थिव, मेरे पांच प्रकार के देह होते हैं, ये पांच भौतिक भी पांच प्रकार के होते हैं, पृथ्वी प्रधान, जल प्रधान, तेज प्रधान, आप प्रधान और आकाश प्रधान, ये पांच प्रकार के होते हैं, पर कहीं भी रहे उस देह में उसका ये रहता कि नामित हूँ, क्योंकि सुखी दुखी होता है, संकेत में उसने सारी बातें कह दी थी, फिर नहीं कहनी है, तो उनके लिए जो कुछ हम कर सकें, जैसे नाम का पाठ, गीता का पाठ, भगवान नाम का जप, गायत्री का जाप, उनके लिए दान, उनके लिए अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ये पादुका दान इत्यादि, छत्रदान, ये सब करना चाहिए, कर्मकांड की बात है पर बड़ी आवश्यक है, पर ये सब व्यवहार है, असली काम तो अपना है वही कि भगवान में लगना है, और वो लगना है बहुत गंभीरता के साथ, सोचना विचारना नहीं है उसमें, ये कल्प नहीं छोड़ना, और काम कल पर छोड़ दे, महाभारत में आया कि दो काम कल पर न छोड़, एक भजन और एक दान, ये जब मन में आए तब करने लगे,
अगर कल पर छोड़ दें, कल शरीर नहीं रहा तो, और कल भजन करने की दान करने की वृत्ति नहीं रही तो गए ना। तो दान करने की जब मन में आवे, भजन करने के जब मन में आवे, तभी दान और भजन करने लगे कर सीखे, शुरू कर दें। तो भजन शुरू कर दें अभी से, अभी से, कल से नहीं, कि आज से नहीं, अभी से। और अभी से किया तो अभी से काम हो जाएगा। उसमें एक ही बात करनी है, अपने को जगत का न मानकर भगवान का मान लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसमार, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसमार, अनेकों जन्म की बिगड़ी हुई आज सुधर जाए अभी अभी। कैसे? बस जो संसार के दास हो रहे हो भगवान को हो जाओ, कोई राम को उनके नाम को ग्रहण कर लो, और बुरे समाज का भगवान से हटाने वाला, प्रत्येक समाज बुरा है, चाहे वो अपना मन हो, चाहे अपने विचार हो, चाहे अपनी बुद्धि हो, चाहे कोई वस्तु हो, वस्त्र हो, स्थान हो, मनुष्य हो, दृश्य हो, प्रपंच हो, सुनने की चीज हो, कुछ भी हो, जो भगवान से हटाने वाला है वो कुसमाज है। उस कुसमाज का क्या करे, भगवान का नाम ले और भगवान का हो जाए तो आज काम बन जाए। ये काम आज बनाना है भला, ये सबको, ये मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत सोच विचार से, इसी में मन लगाइए और इसी में दूसरे का मन लगवाइए, इसमें सहायता कीजिए सबकी। ये सबकी सबसे बड़ी सेवा है, किसी को भगवान में लगा देना ये सबसे बड़ी उसकी सेवा है, और किसी को भगवान से हटा कर भोगों में लगा देना ये उसके साथ शत्रुता करना है। सच्ची बात, वो माता पिता, वो बंधु मित्र, तदीय चाहे कोच बैरी समय जद्यपि परम स्नेही, चाची प्रिय राम देवेही, पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत बज बन चन भाई जग मंगलकारी, नाचे नेह राम सो मनियत, सूर्य सुसेद जहालो, अंजन का आँख जई फूटे, बहुत कहो कहालो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से चारो, जासु हो सनेह राम पद, ए तुरमत हमारा। बस ये सिद्धांत धारण हो गए, सुनो, ये सिद्धांत धारण कीजिए। इसमें बात क्या है, मनुष्य कुछ तो बुद्धिमान बनता है, और कुछ बिना हुए अपनी गरिमा मान लेता है, और अपने आप को वो लोगों में नाम रूप को लेकर के और कुछ करना चाहता है। ये भगवान के नाते करे तो कोई बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, पर असली चीज को भूल जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये एक सबसे बड़ा भ्रम क्या है, वो भ्रम जाना बहुत कठिन है। वो भ्रम है भोग में सुख है, इस प्रकार की समझ, भोग में सुख है, ये समझ जो है ये एक महान भ्रांति है। ये भ्रांति महाराज चलती है त्याग करने के बाद भी। यश भी भोग है, कीर्ति भी भोग है, रहने का स्थान भी भोग है, आराम भी भोग है। भोग का अर्थ केवल अमुक वस्तु ही नहीं है। ये जो भोग में सुख है, ये भ्रांति मनुष्य के साथ चलती है, और इसी सुख की उपलब्धि में, इसी सुविधा की प्राप्ति में मनुष्य अपने त्याग करने के बाद भी इसमें संलग्न रहता है और इस सुख सुविधा की खोजने लगा रहता है। तो क्या होता है, ये बिल्कुल जो फैक्ट है, जो हो रहा है, बता रहा हूँ। क्या होता है, मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, अब दोनों में कहीं आपस में हो गया कि एक को मिले एक को न मिले,
تو آپ چاہیں گے مجھ سے ملے، میں چاہوں گا مجھ سے ملے، اب وہاں پر سنگھرش ہونے کی سمبھاونا ہے، وہاں کلہ کی سمبھاونا ہے، اور یدی زبردستی کہیں ہو گئی تو دیش ہو گیا، دیش کے بعد بیر ہو گیا، بیر کے بعد کروھ آیا، کروھ کے بعد ہنسا ہو گئی، اب وہ بیر بدھمول ہو گیا۔ تو اس پرکار سے چھوٹا سا بیج کام کا جو آسکتی کو لے کر پیدا ہوتا ہے، آسکتی کو لے کر پیدا ہونے والا چھوٹا سا کام بیج بڑے بھاری بناش کا بخ بن جاتا ہے اور بناش پھل دیتا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا آسکتی کا جو بیج ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے بھوگ چنتن۔ بھوگ چنتن کیوں ہوتا ہے؟ بھوگ میں سکھ کی بھرانتی جائے وشیان پنس، یہاں سے شروع کریے اور بدھی ناشاد پنسکی یہاں تک جائیے، سر سر دیکھیے۔ اس پرکار سے کرمشہ ہے منش میں درگن دراچاروں کا پرادربھاو ہوتا ہے اور یہ گرتا چلا جاتا ہے۔ بھوگوں کا چنتن کیا، چنتن سے آسکتی پیدا ہوئی، آسکتی سے کامنا، کامنا کی سفلتا سے لوبھ، کامنا کی وفلتا سے کروھ، کروھ یا لوبھ سے سموہ، سموہ سے سمتناش، سمتناش سے بدھناش، اور بدھناش سے سرگناش۔ یہ آٹھ سر ہیں گرنے کی۔ اچھے سے اچھا آدمی بھی یدی بھگوت چنتن پرائن نہ ہو کر کے بھوگ چنتن میں لگے گا، بھلے ہی وہ اچھے کے لیے کرتا ہو۔ ایک بہت اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی ایک آشرم بنا رہے تھے دیش کے کام کے لیے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے تیاگی، سوئم بڑے تیاگی، لیکن وہ آشرم بنانے میں ان کی آسکتی ہو گئی۔ اب آشرم بنانے لگے تو اس نے آشرم تو ان کا بنا، بہت دیر میں بنا پر آشرم بنا، آشرم بناتے بناتے کئی لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا، آشرم بناتے بناتے کئی پارٹیاں بن گئی، آشرم بناتے بناتے انہوں نے مجھ سے سوئم کہا کہ آشرم بنانے سے پورو میں جس شانتی میں تھا، سکھ میں تھا، آشرم بننے کے بعد کمرے تو بڑے اچھے بن گئے اور رہنے کا بڑا آرام ہو گیا، اور آشرم کا نرماتا بھی میں ہو گیا، اور آشرم واسیوں کو سکھ دینے والا بھی میں پرسدھ ہو گیا، پر میری شانتی، میرے چتر کی پرسنتا وہ کہیں کہیں چلی گئی، وہ برانے پر نہیں آ رہی۔ انہوں نے مجھے کئی اپنے انوبھو سنائے، ابھی وہ اب کچھ دنوں پہلے ان کا دیہاوسان ہو گیا تھا۔ بڑے اچھے آدمی، بڑے سجن، بڑے تیاگی، تو تیاگی ہونے پر بھی جب اس طرف آدمی چلتا ہے اور جب اس سنگ میں جاتا ہے تو سنگ دوست سے یہ ساری چیزیں، یہ جہاں پر ایک چیز بنی، ایک چیز بنی، ایک ہمارے متر رہے ابھی ہیں، انہوں نے ایک میل خریدی، میں نندا کی بات نہیں کرتا، ایک سوبھاوک جو منشی کی ایک بھاو دھارا چلتی ہے اس کا نمونہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک میل خریدی، یہ کئی ورش پہلے کی بات، میل گھاٹے میں چلتی تھی، تو مل مجھ سے بڑا پریم رکھتے ہیں، میں نے کہا میل کیوں خریدی آپ نے، گھاٹا کیوں لگتا ہے؟ تو اس سمے تو بولے کہ ریس میں پیچھے کیسے رہیں، گھڑ دوڑ میں پیچھے کیسے رہیں، امک نے خرید لی، امک نے نہیں خریدی، یہ بولے ہم نہیں خریدنے والے میں کیسے رہیں، ہمارے ساتھ ہی دوسرے نے امک امک خرید لی۔ میں نے کہا اس میں گھاٹا لگا، تو بولے گھاٹا سدھاریں سدھاریں۔ پیچھے مہاراج کسی روپ میں وہ کچھ تھوڑے سے پھنس گئے، ایک خریدی، دو خریدی، کچھ اور خریدا، اب پھنسے پھنسے تو بولے بھیا بات تو ٹھیک تھی، اب کیا کریں؟ تو کیا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی،
मनुष्य को जरूरत जो है ना, जरूरत के अनुसार करे तो संसार में सबको मिला करे। मनुष्य बेजरूरत जितना संग्रह करता है, जितना इकट्ठा करना चाहता है, बटोरना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उतना वो दूसरों से छीनता है। अगर मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार ही करे तो सारे जगत के लोग ऐसा करने लगे तो प्राय सबको मिल जाए। ये प्राचीन काल में राजा लोग यज्ञ करते थे, सर्वज्ञ सब दे देते थे। रघु के यहाँ भीख मांगने के लिए गए कौत के ये सरफियां स्वर्ण मुद्राएं, वहां जाकर के देखा कि संध्या करने के पात्र भी मिट्टी के हैं, वहां पर धातु के पात्र तक नहीं है। इतना दान करते थे तो मतलब क्या कि सब बंट गया, सब गरीबों में जिनके पास नहीं था सब में बंट गया। सब ठीक ठिकाने से रहे, वितरण वितरण जिसको कहते हैं आज, समय वितरण हो गया। तो ये क्या होता है, मनुष्य को आवश्यकता न होने पर भी प्रलोभन होता है। तो कामना जहाँ सफल होती है वहाँ आदमी समझता है कि और कर लेते और कर लेते और कर लेते। कुछ लोग बचते हैं, कुछ सयाने लोग बचते हैं कि और नहीं चाहिए, बाकी नहीं बचते, अधिक नहीं बचते। और कामना जहाँ सफल नहीं हुई, कामना पर चोट लगी, अब उस कामना पर चोट लगते ही एक वृत्ति पैदा होती है, विदाही का वृत्ति। वो उस वृत्ति का नाम क्रोध है, वो उसने काम बिगाड़ दिया, अब उसको देखना है। अब अपनी तो बात गई, उसको देखना है, उसको ठीक करना है, उसको सबक सिखाना है कि देखो हमारा काम उसने बिगाड़ा तो उस काम बिगाड़ के छोड़ेंगे। अरे उसका तो बिगाड़ के छोड़ोगे बिगड़ेगा नहीं, तो भगवान जाने उसके बाद में होगा तो बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे क्या फायदा होगा। उस दिन हमारे पास एक आदमी आए, बोले देखिए जी उसने हमारे साथ ऐसा किया और हम ऐसा करना चाहते हैं। हमने कहा इसने आपको फायदा क्या, बोले फायदा तो नहीं, ये हम जानते हमारा भी नुकसान होगा पर वो तो याद रखेंगे, तो आप भी याद रखने लायक हो जाएंगे, आप भी याद रखेंगे। पर समझ में नहीं आती ये बात। तो जहाँ कामना सफल वहाँ लोभ, और जहाँ कामना विफल वहाँ क्रोध, और क्रोध और लोभ में से एक भी हो गया तो पूरी बेवकूफी आ जाती है। उसका नाम है सम्मोह। सम्मोह माने पूरी बेवकूफी। पूरी बेवकूफी होने पर क्या होता है कि क्या करना क्या न करना, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, ये याददाश्त नहीं रहती, सारी स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति भूल गया तो बुद्धि मारी गई, बुद्धि मारी गई तो फिर सर्वनाश। फिर कहता बोले क्या करेंगी, बात तो ठीक थी पर उस समय हमारी बुद्धि मारी गई। बुद्धि क्यों मारी गई, बुद्धि मारी जाने का कारण क्या, वही विषय चिंतन। और विषय चिंतन क्यों है, विषयों में सुख की भ्रांति। तो साधक के लिए, साधक का शरीर के लिए ये आवश्यक बात है कि सुख यदि है तो एकमात्र एकमात्र केवल और केवल भगवान में है, और कहीं है ही नहीं। जहाँ भी आप सुख खोजेंगे, जहाँ सुख देखेंगे, वहाँ एक बार चाहे वो झोपड़े में आग लगाने पर प्रकाश दिखाई दे, पर सुख नहीं है, दुख ही दुख है। दुख का सुख नाम रख लिया भले ही, सुख नहीं। हमारे वो मॉल भी लिया के हुसैन थे, ये स्वदेशी युग की बात है, आप छोटे होंगे उस वक्त 1908-09 की बात, तो वो बाग बाजार में के स्वदेशी आंदोलन की बात कल करते थे, तो बड़े देशभक्त थे मौलवी लियाकत हुसैन कलकत्ते में। तो उन्होंने एक भंडार खोल रखा था भूषण, उसका नाम रख दिया था कुबेर भंडार, और उसमें 250 से ज़्यादा की चीज़ नहीं थी। तो ऐसे नाम कुबेर भंडार रख दें, नाम चाहे कुछ भी रख दें, उसका नाम से कुछ होता हवा का नहीं है। तो मनुष्य को मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने की एक ही मात्र बात है कि सुख समझे भगवान में, आराम समझे भगवान में, शांति समझे भगवान में, प्राप्त करने योग्य वस्तु भगवान, इनके लिए उद्योग करना ही मानव की मानवता, इसके लिए चेष्टा करना ही साधना, इनके लिए चेष्टा करने का नाम ही सत्कर्म।
باقی چاہے وہ اس کو دشکرم کہیں اسادھنا کہیں پاپ کہیں کوئی آپتی نہیں ہے. جو بھگوان سے ہٹا کر کے بھوگوں میں لگا دے اور ہمیں لڑکوں میں بھیج دے وہ پاپ نہیں تو پنیہ کیسا ہے, وہ ستسنگ نہیں تو ستسنگ کیسا ہے, اس سے برا ہے. اس لیے برے کا تیاگ کرے اور بھلے کا گرہن کرے, بھلا ایک ماتر بھگوان, اور بھگوان کا جو ویروھی وہ سب برا. اسی سدھانت پر اچل رہ کر کے بھگوان میں لگنے کا پریتن کرنا, سیریسلی کرنا, یہ نہیں کہ کیول سن لی اور سن کر جیسے میں کہنا سیکھ گیا, کہنا سیکھ جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا, کرنا سیکھ جائے. تو کرنا سیکھ جائے تو اس کی کرنی پھر اپنے آپ سکھائے گی دوسروں کو, اور نہیں تو کہے کچھ اور کرے کچھ اس سے کچھ نہیں. تو آپ لوگوں میں سے جن کی اچھا ہو کہ بھگوان میں لگی ہے, سمے بیت رہا ہے, بھلا مرتیو کب آ جائے گی کچھ پتا نہیں ہے, وہ تو سر پر سوار ہے, نمعلوم کل ہی آ جائے. تو آج سے لگی ابھی سے لگی یہی سب سے پرارتھنا ہے. جے سیتارام 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 جے سیتارام جے سیتارام 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 جے سیتارام 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 جے جے سیتارام 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 جے سیتارام جے سیتارام سیتارام جے سیتارام 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 جے جے سیتارام 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 جے جے سیتارام سیتارام. بول سیاور رام چندر کی جے. مور مور بنسی والے. پوجی شری بھائی جی کے اس پروچن کا شیرشک ہے ایک ماتر بھگوان کو پراپت کرنا ہی مانو جیون کا پرتھم اور انتم لکش ہے. اس کا کیسٹ سنکھیا ہے 236.